हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट ईएमयू। ईएमयू के क्लास 6 9th के और एंट्रेंस जो है वो अभी तक डेट नहीं आई है और बच्चे बहुत परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं और परेशान होने वाली बात भी है कि इतना लेट हो चुका है वो अलग बात है। ये सुकून था कि और कोर्सेज की भी डेट नहीं आई, लेकिन अब सभी बैचलर्स की और 11th क्लास वगैरह मास्टर्स की सबकी डेट आ चुकी है, लेकिन क्लास 9th और 6th की नहीं आई है जो स्कूल्स की होती है ईएमयू की। देखिए, इतना लेट ऑलरेडी हो चुका है और अभी भी डेट्स नहीं आई। अगर हम पिछले साल का कंपेयर करें, देखिए पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल तो बहुत ज्यादा लेट हो गया था, मतलब दिसंबर वगैरह में तो एग्जाम जो बैचलर्स वगैरह के थे, आपके जो सीनियर्स होते हैं मतलब 12th के बाद जो एग्जाम होते हैं वो वाले दिसंबर में हुए थे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, छोटे बच्चे होते हैं क्लास 9-6 के, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ आनी चाहिए बात, अदरवाइज आप वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। और उसके बाद जो बात थी, फिर जो क्लास 6-9th के थे जो लास्ट सेशन में 2020 में हुए थे, ये है 2021, तो 2020 में जो एग्जाम हुए थे उसमें आप देखिए फरवरी के अराउंड हुए थे, आई थिंक इतना लेट हो चुका था। पिछली बार का तो केस छोड़ दीजिए, पिछली बार तो बहुत बुरा हाल था, बहुत ज्यादा लेट हो गए थे, तो इस बार तो लेकिन अभी डेट भी आ गई है, सेप्टेम्बर का स्केड्यूल आ गया। जो कोर्सेज इस बार के टेस्ट होने वाले हैं एएमयू के 19 सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, लेकिन क्लास 9th और 6th के कोई डेट नहीं आई अभी तक। तो अब डेट कब आएगी, बच्चे पूछ रहे हैं, तो डेट कब आएगी, देखिए सबसे पहले देखिए पिछली बार अगर जैसे हम अगर कंपेयर, पिछली बार का मैं क्यों बता रहा हूं इतना, क्योंकि ऐसा हुआ था लास्ट टाइम सभी कोर्सेज के टेस्ट हो गए थे तब भी डेट नहीं आई थी, उसके बाद डेट आई थी छोटे बच्चों की, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था बच्चे छोटे होते हैं 6th और 9th के, 1st के इनके, तो इसलिए इनकी ज्यादा सेफ्टी रखनी पड़ती है, तो इसलिए इनका भी लेट करें, तो उसके बाद बहुत लेट कर दिया था, बाद में आया था आपका, ये आपने जो फॉर्म भर रखे हैं ये वाले फॉर्म्स आ गए थे और पिछले वाले टेस्ट नहीं हुए थे। अगर कुछ बच्चे होंगे इसमें बहुत सारे जिन्होंने टेस्ट किया था लास्ट ईयर वो जानते होंगे, तो अपडेट्स कब आने की चांसेस हैं, देखिए आज आपके अराउंड अगस्त एंड होने वाला है, लास्ट अगस्त चल रहा है, अगस्त का लास्ट में चल रहा है महीना, और जो होते हैं अगर नॉर्मली की बात करें 1st, 6th, 9th के सबसे पहले होते हैं, मतलब मार्च में होने स्टार्ट हो जाते हैं और ये अप्रैल और मई में स्टार्ट होते हैं दूसरे कोर्सेज के, क्लास 11th वगैरह के अप्रैल मई में होते हैं, लेकिन इस बार लेट कर रहे हैं स्कूल्स के, बाद में कर रहे हैं अभी, लेकिन कोई डेट नहीं आई है, लेकिन डेट आने के बहुत जल्दी चांसेस हैं। वैसे आप घबराइए मत, पैनिक मत होइए, अब बच्चों को ये रहता है हमारी डेट ना छूट गई हो, ऐसा ना हो कि हमें नहीं पता था हमारा टेस्ट निकल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और मेरे होते हुए बिल्कुल नहीं होगा आपका। अगर आप इस चैनल पे है ना, नए पुराने बच्चे हैं जो सब्सक्राइब किए उन्हें पता है रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ, इसीलिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपको सुकून मिल जाए, हाँ भाई अभी डेट नहीं आई है, कुछ वक्त और लगेगा, अभी देखिए एकदम जल्दी जल्दबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा टाइम भी लग सकता है आपकी डेट्स में, इसलिए मैं नहीं कहूंगा एकदम आने वाली है, अगले हफ्ते आ जाएंगी, 10 दिन में आ जाएंगी, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, दूसरे चैनल की तरह मैं ऐसे नहीं करूंगा, आपको तसल्ली दे रहा हूं, अभी आप वेट करके रखिए, लेकिन चैनल पे एक्टिव रहिएगा, क्योंकि जैसे ही डेट आएंगी मैं एकदम वीडियो बनाऊंगा, और बेल आइकन ऑन कर लेना, जो नए बच्चे हैं ना उन्हें बता रहा हूं मैं स्पेशली सब्सक्राइब करके बेल आइकन, जो पुराने बच्चे सब्सक्राइब कर रखा है वो भी बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, बाकी कमेंट में बताइएगा आप क्या चाहते हैं, थोड़ा डिले हो जाए एग्जाम या फिर जल्दी हो जाए, क्योंकि डिले होगा तो आपको टाइम भी मिल जाएगा, लेकिन डिले में ये भी होता है परेशान होते हैं ज्यादा, जल्दी में होता है जल्दी से टेंशन खत्म हो या तैयारी है अभी अभी टेस्ट ले लें तो अच्छा हो जाएगा, तो दोनों के अपने बेनिफिट्स होते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कमेंट में बताइएगा, और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए, सैयद फजील के नाम से है, यहाँ पे आपका लिखा आ रहा होगा, और वीडियो को सभी बच्चे लाइक करेंगे, और अगर आपके दोस्त वगैरह या कजिन्स वगैरह क्लास 9, 6, 1 के वेट कर रहे हैं ना, उन्हें ये वीडियो भेज देना, जैसे आपको सुकून मिला है ऐसे उन्हें भी मिलना चाहिए, तो सबका अच्छा सोचना चाहिए, ठीक है, वीडियो अच्छे शेयर कर दीजिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।